हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन थ्योरी एंड प्रिंसिपल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एमपैट, एमफार्म एंड आल्सो बीफार्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। तो प्रोटॉन इन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर एंड शोज द स्पिन मूवमेंट एंड दे एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। जो प्रोटॉन होता है वो हमारे न्यूक्लियर में प्रेजेंट होते हैं और वो शो क्या करते हैं, स्पिन मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक प्रोटॉन है और वो अराउंड सर्कुलर मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, स्पिन मूवमेंट कर रहा है और उसी वजह से वो जैसे घूम रहा है तो उसमें टाइनी मैग्नेट क्रिएट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर एक कार्बन एटम का स्ट्रक्चर दिखाया दे रहा है, उसमें बहुत सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसके बाद अल्टीमेटली प्रोटॉन आर प्रेजेंट एंड इट एक्ट एज अ स्मॉल मैग्नेट दैन इट इज़ कैपेबल फॉर शोविंग द एनएमआर इफेक्ट। जो कि हमारा प्रोटॉन है वो ऐसे ही रोटेट होते होते एक स्मॉल मैग्नेट क्रिएट करता है सराउंडिंग और उसी वजह से वो एनएमआर इफेक्ट शो करने के लिए रेडी रहते हैं। After that, due to this EMR, radio waves, resonance in this tiny magnet take place. In this process is also known as the nuclear magnetic resonance. तो nuclear magnetic resonance होता क्या है, जो हमारा nuclear होता है उसमें बहुत proton, electron, neutron present होते हैं, वो circular movement में ऐसे घूमता रहता है, पर वो जब घूमता है वहाँ पर एक small magnetic रेजोनेंस क्रिएट होता है और उसी वजह से वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस शो होता है। तो ये बेसिक थ्योरी है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल द बिहाइंड दिस प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर कम्स फ्रॉम स्प्लीन इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लीन एक्शन शो करता है, उसी बेसिस पे हमारा ये प्रिंसिपल है। इट जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड विदाउट एक्सटर्नल अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एंड न्यूक्लियर स्प्लीन आर रैंडम इन डायरेक्शन। तो आपको दिख रहा होगा नीचे डायग्राम में, नो फील्ड एंड विथ फील्ड, मतलब नो फील्ड में आपको क्या दिख रहा है, जो कि हमारे न्यूक्लियस है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की है, उसी वजह से जो न्यूक्लियर है वो कैसे भी रैंडमली डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, स्प्लिन हो रहे हैं, नॉट अ पर्टिकुलर वन डायरेक्शन, दे आर स्प्लिन अराउंड रैंडम डायरेक्शन। तो हमको ये पता चल गया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम न्यूक्लियर को प्रोवाइड नहीं करते हैं तब वो रैंडम डायरेक्शन, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर बट व्हेन इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई इन न्यूक्लियर, तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो एक स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाते हैं, उसका डायरेक्शन स्ट्रेट हो जाता है और वो अलाइन देमसेल्फ खुद के खुद स्ट्रेट होके वो पर्टिकुलर एक स्प्लिन फ्लिप करते हैं, उसको कहते हैं विथ, मतलब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ऐसा हुआ। तो सी द डिफरेंस, नीचे आपको दिख रहा होगा पर्टिकुलर रैंडम डायरेक्शन में विदाउट एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड वो रैंडम डायरेक्शन पे घूम रहे हैं, पर जब हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हुआ, वो एक स्ट्रेट पोजीशन पे खुद के खुद रोटेट होने लगे। तो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द एनएमआर। तो ये सब न्यूक्लियर है और न्यूक्लियर क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक मैग्नेट में जाके, यहाँ पर दो मैग्नेट है आपको दिख रहा होगा, एक साउथ एंड नॉर्थ, तो दोनों अपोजिट हैं और उसके बाद जो प्रोटॉन है हमारा न्यूक्लियर है वो प्रेजेंट आगे चला गया, उसके बाद वो ऊपर क्या है, रेडियो, हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद जो मैग्नेट है मैग्नेट में वो क्या हो गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चले गए और यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोटॉन है उसका और उस जो हमारे सैंपल का उसका जो फ्रीक्वेंसी है मैच हो गई है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, नॉर्थ नॉर्थ को नॉर्थ का आया और साउथ को साउथ का आया। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, तो आप हम बाद में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन।
अब नेक्स्ट पार्ट है NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंपोनेंट्स। तो कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर है? तो फर्स्ट कंपोनेंट इज सैम्पल होल्डर। सैम्पल होल्डर इज नथिंग बट द क्यूवेट। जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें क्यूवेट में सैंपल डालते हैं, वो ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है, वही सैंपल होल्डर जिसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट। जो सैंपल होल्डर है उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट दो फिक्स रहते हैं। थर्ड वन इज दी मैग्नेटिक कॉइल। जो कि मैग्नेटिक कॉइल सैंपल होल्डर में टाइटली वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में रहती है और उसमें फिट की जाती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर एंड रीडआउट सिस्टम। रीडआउट सिस्टम इज नथिंग बट डिटेक्टर और कंप्यूटर थ्रू रीडआउट किया जाता है। तो ये हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में आपको जो बीच में दिख रहा है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो है हमारा सैंपल होल्डर और क्यूवेट। तो वो किससे बंधा हुआ है? सैंपल मतलब जो मैग्नेटिक कॉइल है उसे वो रोटेट किया हुआ है, और साइड में उसके है स्वीप कॉइल्स। उसके बाद में है मैग्नेटिक पोल्स। जो मैग्नेटिक पोल्स है वो मैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाद में है स्वीप जनरेटर, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर एंड एम्पलीफायर, एंड आफ्टर दैट रिकॉर्डर सिस्टम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसका हम इन डिटेल देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज दी सैम्पल होल्डर। तो आपको सभी पता है ये सैम्पल होल्डर है, जो बीच में है उसमें मैग्नेटिक कॉइल प्रोवाइड किया है। तो सैम्पल होल्डर होता क्या है? सैम्पल होल्डर इज अ इन दैट यूज इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नॉर्मली दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, देयरफॉर दिस इज दी दिस ऑल्सो कॉल्ड एज सैम्पल ट्यूब। ओके, एंड दिस आर द ट्रांसपेरेंट इन नेचर। जो ये सैम्पल होल्डर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, एंड वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जो होते हैं वो उससे पास आउट होते हैं, इसलिए वो केमिकली इनर्ट रहता है। आफ्टर दैट दिस आर ट्रांसपेरेंट। सो दिस आर मेड अप ऑफ द ग्लास एंड पायरेक्स ट्यूब्स। ओके, जो कि हमारे ग्लास से बनाया होता है और पायरेक्स ट्यूब से वो मोस्टली बनाया जाता है। तो इसमें इसका जो सैम्पल सॉल्वेंट इसमें यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप्स, और उसका जो लॉन्ग होता है वो 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 0.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारा सैम्पल होल्डर है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, केमिकली इनर्ट होता है, उसमें से जो रेडिएशंस होते हैं वो ईजिली पास होते हैं, और कभी भी वो सैम्पल हम जब यूज़ करते हैं तो वो हमेशा वॉश करके यूज़ करना चाहिए। वो वॉश कैसे करते हैं? डाइल्यूट अल्कोहल, एसीटोन, डाइल्यूट H2SO4, इसे हम अच्छे से वॉश करके यूज़ करते हैं। कभी भी हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे जो फिंगर टिप्स होते हैं वो उसके सैंपल होल्डर को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे, तो अच्छे से उसको कैरी करना चाहिए। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट, जो कि इधर दिख रही होगी टू परमानेंट मैग्नेट है, जो कि इसमें दिखाया दे रहा है मैग्नेटिक पोल्स। ओके, तो इसका काम क्या है? मैग्नेटिक पोल्स इट यूज टू प्रोवाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका काम है कि सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना एंड डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी न्यूक्लियस। उसमें कौन सा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो वो डिटरमाइन करना, डिटेक्ट करना, एंड ऑल्सो जो होमोजीनियस इन नेचर होता है, होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, वो उसका नेचर फाइंड आउट करना, एंड ऑल्सो दैट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शुड नॉट बी चेंज पॉइंट टू पॉइंट अराउंड 60 to 100 MHz। तो आपको सबको पता चल गया होगा कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है कि एक मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोवाइड करना है अराउंड 60 to 1000 MHz में। ओके, इट शुड बी स्टेबल होना चाहिए, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है होमोजीनियस होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो पॉइंट टू पॉइंट वैरी नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपर उसमें रेज जो है वो पड़ना चाहिए। ओके, एंड दिस मैग्नेट साइज इज़ 15 inches इन डायमीटर। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक कॉइल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्वीप कॉइल्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज द मैग्नेटिक कॉइल्स। तो दिस आर द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एंड न्यूक्लियस ऑफ द स्ट्रेंथ दिस मैग्नेटिक फील्ड विच आर प्लेस इन दिस सैम्पल अराउंड दिस सैम्पल। ओके, तो आपको
यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये यूज़ किया जाता है, एक एडजस्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रॉपर होमोजेनियस टाइप कॉन्स्टेंटली हमको चाहिए सैंपल के लिए, इसलिए मैग्नेटिक कॉइल्स वहाँ पर होती है. ओके, एंड इफ़ दिस कॉइल आर कॉन्स्टेंट द प्रोफेशनल फ्रिक्वेंसी इज फिक्स्ड किया जाता है. नेक्स्ट वन है रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर. तो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर का मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ अचीव द मैक्सिमम इंटरेक्शन ऑफ द RF रेडिएशन विद द सैंपल. हमारा जो सैंपल है उसमें मैक्सिमम इंटरेक्शन होना चाहिए रेडियो फ्रिक्वेंसी का, एंड वो ऑसिलेट होना चाहिए अराउंड द सैंपल सेल. सैंपल सेल इज नथिंग बट द सैंपल होल्डर. ओके, एंड दिस आर जनरेटेड व्हेन द रेडियो फ्रिक्वेंसी आर जनरेटेड, दिस आर ऑसिलेशन, वहाँ पर ऑसिलेशन यूज़ किया जाता है, और उसमें मैक्सिमम इंटरेक्शन होने के कारण वो हमको रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर से शो किया जाता है. तो हमेशा याद रखना, ऑसिलेटर कॉइल इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इस वजह से वहाँ पर मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है. अब नेक्स्ट है रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर. तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, अ फ्यू टर्न्स ऑफ वायर वाउंड अराउंड द सैंपल ट्यूब टाइटली. हमारा जो सैंपल ट्यूब है यहाँ पर, वहाँ पर एक टाइटली वो फिल किया गया है, वो रोटेट किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. तो टाइटली वहाँ पर फिट किया है. आफ्टर दैट दैट रिसीवर कॉइल इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर. तो जो वहाँ पर वो कॉइल है वो क्या है, परपेंडिकुलर है बोथ की कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से. एंड व्हेन दिस रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इज पास थ्रू दिस मैग्नेटिक सैंपल द रेजोनेंस ऑकर. जब रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन पास होता है मैग्नेटिक सैंपल से, तभी रेजोनेंस क्रिएट होता है, और रेजोनेंस क्रिएट होने के बाद करंट क्रिएट होता है, करंट वोल्टेज में मेजर किया जाता है, और वो कॉइल ड्रॉप हो जाती है. तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप याद रख लेना. नेक्स्ट है रीड आउट सिस्टम. इन दैट डिटेक्टर व्हेन द रेडिएशन इज पास थ्रू द सैंपल टू फिनोमेना नेमली एब्सॉर्प्शन एंड डिस्पर्शन ऑकर होता है. डिटेक्टर का काम क्या होता है, जो कि सिग्नल्स आ रहे हैं वो सिग्नल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट में, और वो इजीली क्या करता है, रीड आउट कर लेता है रीड आउट सिस्टम में. तो डिटेक्टर का काम ही यही है कि वो इजीली डिटेक्ट करे जो भी सिग्नल आ रहे हैं वो. आफ्टर दैट रिकॉर्डर रिसीव दिस सिग्नल एंड एम्पलीफाई बाय द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर एंड रिकॉर्ड द यूजिंग कंप्यूटर डिवाइस, जो कि हमको बाद में लास्ट में दिखता है कि कौन से वेवलेंथ स्पेक्ट्रा आ रहे हैं, वो आपको लास्ट में दिख जाएगा. तो NMR यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल साइंस टू स्टडी द फार्मास्यूटिकल ड्रग मेटाबॉलिज्म, एंड ऑल्सो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन डिटेक्शन के लिए किया जाता है, बायोलॉजी स्टडी ऑफ द बायोफ्लूड सेल्स सच एज न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स. ओके, एंड बहुत सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में यूज़ किया जाता है, मॉलिकुलर डायनामिक्स में यूज़ किया जाता है, प्रोटीन फोल्डिंग में यूज़ किया जाता है, ड्रग स्क्रीनिंग, डिज़ाइनिंग, प्रोटीन हाइड्रेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है. सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर NMR components, MNR spectroscopy, instrumentation and principle. So thanks for watching guys. मिलते हैं next video में.